तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। और पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए थे यहाँ पे 2 से 3 आलू। उसके बाद हमने थोड़ी सी गोभी ली थी, थोड़ा सा यहाँ पे चुकंदर लिया था ताकि रेड कलर आए, और थोड़ा सा हमने सीताफल लिया है, थोड़े से बीन्स और थोड़ी सी गाजर। तो इनको हमने 2 से 3 सीटी प्रेशर कुक करी है, और अब प्रेशर कुक करने के बाद हम इसको एक मैशर से मैश कर देंगे। तो गाइज़ ये हमने मैश कर लिया है उन सब्जियों को, और अब हम कढ़ाई हमने ऊपर रख दी है। कढ़ाई में हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून उसमें तेल डालेंगे, और तेल के साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें बटर भी डालेंगे, क्योंकि पाव भाजी बटर में जब बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच जो है वो जीरा डालेंगे। जीरे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसमें। जीरा भूनने के बाद, अब हमारा जीरा भून गया, अब इसमें हम 2 से 3 मीडियम साइज के जो प्याज है हम वो डालेंगे। हमने तो चॉप करके रख रखी थी। ये हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया। प्याज को हम थोड़ी देर भूनेंगे, उसके बाद भूनने के बाद हम इसमें 1 शिमला मिर्च जो हमने काट के रख रखी है, बारीक चॉप कर रखी है, हम वो डाल देंगे। तो अभी प्याज को थोड़ी देर हम मीडियम फ्लेम पे भूनने रखेंगे, और उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। तो गाइस अब हम इसमें ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल रहे हैं। आप चाहें तो 1 की बजाय 2 शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब जितना प्याज है उतना शिमला मिर्च डाल सकते हैं। हालांकि हमने थोड़ा सा इसमें कम डाला हुआ है, बाकी आप चाहें तो आप उसके मुकाबले 1 शिमला मिर्च काट के और डाल सकते हैं। हमारा वाला जो शिमला मिर्च था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने सिर्फ 1 ही यूज़ किया है। और अब हम इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, और 1-2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो गाइस अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर देंगे, और 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। तो गाइस अब हम इसमें 3 टमाटर, हमने मीडियम साइज के टमाटर हमने काटे हुए थे, अब हम इसमें वो डाल देंगे। टमाटर को आप पेस्ट में अगर डालेंगे तो वो थोड़ा टेस्ट जो है वो अलग देगा, इसलिए हमने टमाटर को बारीक चॉप किया हुआ काट इसमें डाला है। आप चाहें तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें गाइस अब हम इसमें 1 चम्मच अपना नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, और साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें देगी मिर्च डालेंगे। पाव भाजी की रेसिपी में सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें 2-3 मसाले ही डलते हैं, तो हम इसमें 1 बड़ी चम्मच देगी मिर्च डाल रहे हैं, और इसके बाद हम साथ में ही 1.5 से 2 चम्मच जो है पाव भाजी मसाला डाल देंगे। भाई जरा याद रखिए, इसमें जो हम पानी यूज़ जो करेंगे इसको गलाने के लिए, मसालों को भूनने के लिए भी, जो टेम्परेचर हो पानी का वो या तो गर्म हो या फिर वो रूम टेम्परेचर पे हो, ठंडा ना हो। हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आधे कप के अराउंड,
ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएं। और ये पानी हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ किया है, तो अब इसको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही भूनेंगे इसको लो मीडियम फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे। तो गाइस अब हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका है, और अब हम इसमें जो हमने मैश कर रखा था सब्जियां वो हम इसमें डालेंगे। चुकंदर डालने की वजह से इसमें हमें फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और चुकंदर जो है उसने अच्छा एक कलर बना के हमें दे दिया है पाव भाजी का। और अब हम इसको एक उबाल, हल्का सा उबाल एक आने देंगे, और उसके बाद हम इसको एक बार फिर से थोड़ा सा मैश करेंगे। तो गाइस इसमें अब हम थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के हल्का सा बटर और ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड किया है। बटर डालने से मतलब पाव भाजी में बटर थोड़ा हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, रीज़न बिंग उसमें जो मेन रोल जो होता है वो बटर का ही होता है। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून हमने बटर ऐड किया है, और इसको अब हम 2 से 3 मिनट लोअर मीडियम फ्लेम पे थोड़ा हल्का सा और पका देंगे, और उसके बाद हम सीधा सर्विंग बोल में इसको सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमने धनिया ऐड किया है, धनिया ऐड करके हल्का सा हम उसको मिक्स करके अब हम चलते हैं सर्विंग पे। तो गाइस ये हमारा पाव भाजी बिल्कुल रेडी है, और हमने इसको सर्व कराया पाव के साथ, और दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।